सनसनी ऑफ इंडिया। हथियारों के बल पर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में आतंक मचाने वाले एक रॉबर गैंग को स्पेशल स्टाफ टीम ने धर दबोचा है। हाल ही में यह गैंग पुल प्रहलादपुर इलाके में एक मनी ट्रांसफर की शॉप पर डकैती की वारदात को अंजाम देकर 80,000 रुपए और कुछ मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गया था। इस गैंग के एक साथी ने डकैती में लुटे मोबाइल को अपने पास रखा और वारदात के 2 महीने बाद इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल ऑन किया। मोबाइल सर्विलांस की मदद से पूरा गैंग पकड़ा गया। डकैतों की पहचान पलवल निवासी 25 वर्षीय किशन कुमार, पलवल निवासी 23 वर्षीय भगवान सिंह उर्फ भीमा, पुल प्रहलादपुर निवासी 22 वर्षीय शिवम यादव और पुल प्रहलादपुर निवासी 26 वर्षीय देवेंद्र उर्फ टीनू के रूप में हुई है। इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, लूटे गए 2 मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, डकैती, सेंधमारी और चोरी के 5 मामले भी सुलझाए गए हैं। दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को थाना पुल प्रहलादपुर में डकैती की एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी। तुरंत ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पीड़ित रामचंद्र सिंह ने बताया कि पुल प्रहलादपुर केसरिया मार्केट में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के नाम से उसकी मनी ट्रांसफर की शॉप है। रात लगभग 9:20 पर 3 व्यक्ति उसकी दुकान में घुसे और बंदूक की नोक पर 80,000 रुपए नकद और 3 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। मैं करीब 9:20 पर दुकान को ऑफ करके, क्लोज करके जाने की तैयारी कर रहा था। सारा कैश जो है काउंटिंग करके बैग में रख लिया था और लैपटॉप सिर्फ टेबल पर था, बाकी मोबाइल टेबल पर था। बाकी जैसे मैं नहीं उड़ा, 3 कस्टमर के रूप में 3 आदमी आए। मैंने समझा उनसे, मैं समझ नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई बोलो क्या काम है, तो उन्होंने सीधे एक ने पिस्टल निकाला और बोले कि बस कैश रख दो चुपचाप। उसके बाद मेरे को कुछ उठने का, मैं कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था, मुझे उठने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने मेरा बैग उठाया और जो है लेके चले गए। थाना पुल प्रहलादपुर में FIR संख्या 459/21 अंडर सेक्शन 392/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इस वारदात के अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचना और आम जनता का कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। दक्षिण पूर्व जिला DCP ऐशा पांडेय ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण पूर्व जिला स्पेशल स्टाफ को लुटेरों को ट्रैक और पकड़ने का काम सौंपा। ACP ऑपरेशन की सुपरविजन और दक्षिण पूर्व जिले के स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह के नेतृत्व में SI प्रदीप शर्मा, दीपक फूल सिंह, ASI श्यामवीर, राजबीर सिंह, शेर सिंह, हेड कांस्टेबल प्यारे लाल, कांस्टेबल विपिन, पवन, सोनू, मनोज, मनीष और महिला कांस्टेबल सोनिका की एक टीम बनाई। स्पेशल स्टाफ टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला, मुखबिरों का जाल बिछाया। वारदात के समय एक्टिव सभी मोबाइल फोनों का डंप डेटा निकाला गया। सस्पेक्टेड लोगों के कॉल CDR को बारीकी से एनालाइज किया गया, लेकिन आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया। लूटे गए मोबाइल फोन के IMEI नंबर को ट्रैकिंग पर लगा दिया। आखिरकार 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद स्पेशल स्टाफ टीम को सफलता हाथ लग गई। लूटे गए मोबाइल फोन में से एक फोन वारदात के पूरे 2 महीने के बाद पलवल में एक्टिव हुआ। टीम ने तुरंत ही मोबाइल की पिन पॉइंट लोकेशन निकाली और पलवल में अपना जाल बिछाया। मोबाइल सर्विलांस की मदद से पिन पॉइंट लोकेशन पर एक सस्पेक्ट व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तलाशी के लिए पुलिस ने उसे रुकने को कहा, लेकिन पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की। टीम ने पीछा करके सस्पेक्ट व्यक्ति को दबोच लिया। तलाशी लेने पर सर्विलांस पर लगा लूटा हुआ मोबाइल फोन सस्पेक्ट व्यक्ति के पास से बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उसकी पहचान पलवल निवासी 25 वर्षीय किशन कुमार पुत्र ओमबीर सिंह के रूप में हुई। कड़ी पूछताछ के दौरान उसने केसरी मार्केट पुल प्रहलादपुर में मनी ट्रांसफर की दुकान को अपने 4 साथियों के साथ लूटने की बात कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर उसके अन्य साथियों पलवल निवासी 23 वर्षीय भगवान सिंह उर्फ भीमा पुत्र वेद प्रकाश, पुल प्रहलादपुर निवासी 22 वर्षीय शिवम यादव पुत्र दिनेश यादव और पुल प्रहलादपुर निवासी 26 वर्षीय देवेंद्र उर्फ टीनू पुत्र लीलाधर को भी धर दबोचा। इनके कब्जे से एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गैंग के फरार अन्य आरोपियों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई काम नहीं है, शराब और गांजा पीने के शौकीन हैं। जल्दी पैसा कमाने के लालच में उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने विश्वकर्मा कॉलोनी, सूरजकुंड रोड, पुल प्रहलादपुर से हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की है।
आरोपियों ने आगे बताया कि अक्टूबर 2021 के महीने में सदर बाजार भिवाड़ी राजस्थान के एक दुकानदार के पैर में गोली मारकर उन्होंने 4 लाख रुपए लूट लिए। नवंबर 2021 के महीने में उन्होंने 2,50,000 रुपए अग्रवाल फर्नीचर शोरूम सोहना रोड हरियाणा के मालिक और कर्मचारियों को देशी पिस्टल दिखाकर लूटे। अक्टूबर 2021 के महीने में उन्होंने हरियाणा के धारूहेड़ा में एक स्थानीय दुकानदार से हवा में फायरिंग करने की धमकी देकर 30,000 रुपए भी लूटे। पलवल निवासी आरोपी 25 वर्षीय किशन कुमार पुत्र ओमबीर सिंह 12वीं तक पढ़ा है। यह बेरोजगार है, इसकी पहले से कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। पलवल निवासी आरोपी 23 वर्षीय भगवान सिंह उर्फ भीमा पुत्र वेद प्रकाश ने भी 10वीं तक पढ़ाई की है। वो इलेक्ट्रीशियन हुआ करता था, इसकी भी पहले से कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। पुल प्रहलादपुर निवासी आरोपी 22 वर्षीय शिवम यादव पुत्र दिनेश यादव 9वीं तक पढ़ा है। यह कॉल सेंटर में काम करता है, इसकी भी पहले से कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। पुल प्रहलादपुर निवासी आरोपी 26 वर्षीय देवेंद्र उर्फ टीनू पुत्र लीलाधर 10वीं तक पढ़ा है। यह कपड़े सिलता था। यह पहले रेप के एक मामले में शामिल पाया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।